Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest upload. क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। इस रात्रि काल प्रार्थना सभा में एक और बार परमेश्वर की उपस्थिति में एक सबका स्वागत करते हैं। डिवाइन पावर मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में आदर सम्मान और स्वागत है। आप सबको परमेश्वर बहुताई से आशीष करे। तो आइए आज रात एक और बार परमेश्वर की उपस्थिति में चले और उससे प्रार्थना करें हम सब मिलकर एक साथ। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु की आशीष और करुणा दया हम सबके जीवन में सदा बना रहे। तो आइए प्रार्थना करते हैं और वचन को पढ़ के परमेश्वर के नाम को महिमा करते। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय से देखेंगे। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 1 वचन से देखते हैं और प्रभु के नाम को महिमा करते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, अपने अपने वचन बाइबल को निकाल के वचन को देखेंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूत का आदर सत्कार किया है। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी ये समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। विवाह में सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्री गामियों का भी न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, प्रभु मेरा क्या कर सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज की रात परमेश्वर हम सबके जीवन में अद्भुत और चमत्कार कार्य करे, और आज की रात हर एक जीवन में चंगाई, छुटकारा, जीवन और आशीष को परमेश्वर दे। तो आइए मिलकर हम उन तमाम लोगों के लिए दुआ करें जो लोग आज इस प्रार्थना की जिनके जीवन में जरूरत है। तो आइए अपने अपने समीप परमेश्वर के समीप आकर उससे प्रार्थना करें और परमेश्वर के नाम को महिमा करें। तो कितने लोग आज इस रात्रि काल में तैयार हैं प्रार्थना करने के लिए? अंत तक प्रार्थना को सुनिए और परमेश्वर के नाम को महिमा कीजिए। धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, तेरे नाम को महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के यहोवा, तेरे बेटे और बेटियों की सुधि लीजिए, आशीष कीजिए और उनके जीवन में भलाई कार्य कीजिए। पवित्र आत्मा, आज रात प्रभु आपके समीप आते हैं। हम सबको प्रभु बड़ी आशीष की जरूरत है। प्रभु हम सबके जीवन में आपकी दया की जरूरत है। प्रभु हम सब पे दया दिखाइए प्रभु और अनुग्रह कीजिए। तेरे वचन में लिखा है, जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यूहन्ना 14:13-14 में लिखा है। प्रभु आज की रात परमेश्वर तेरे बेटे और बेटियों के जीवन में अद्भुत और चमत्कार कार्य हो परमेश्वर। और पिता होने दीजिए सबको प्रभु आपकी भलाई देखने के लिए मदद करें। जो बीमार में है वो चंगे हो जाए, और जो लोग के जीवन में परेशान समस्या है प्रभु, उन सब को प्रभु तू अपने हाथों में परमेश्वर लेकर प्रभु उन्हें आशीष कर परमेश्वर। और पिता चंगाई दीजिए प्रभु, तेरे हाथों में सौंपता हूं हर एक बेटे और बेटियों को प्रभु। इस समय जितने लोग परमेश्वर तुझे निहार रहे, ताक रहे, उन सब की सुधि लीजिए प्रभु। हर एक माता पिता, हर एक बुजुर्ग माता पिता, हर एक जवान, हर एक बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। सामर्थ कार्य करने वाले हमारे सेनाओं के यहोवा, आशीष को देने वाले रात्रि काल में हर एक को बड़े अद्भुत रीति से आशीष कीजिए और चंगाई दीजिए। प्रभु तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, छू लीजिए और महान कार्य कीजिए, क्योंकि यह ना बल से होगा ना शक्ति से होगा, आत्मा के द्वारा होगा परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, आप आशीष को भेज दीजिए परमेश्वर। प्रभु आपका प्रेम हम सबके जीवन में लगातार बना रहे। प्रभु धन्यवाद करते हैं सेनाओं के यहोवा, और जो लोग बीमार में उनके लिए प्रार्थना करते हैं, वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है,
हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, आज रात परमेश्वर पिता सबों को आप आशीष कीजिए, सबों को आज छू लीजिए प्रभु, और हर एक के जीवन में भलाई कार्य कीजिए, हर एक के जीवन में आशीष दीजिए मेरे पिता, ना तो बल से ना शक्ति से, आत्मा के द्वारा परमेश्वर तेरे बेटे और बेटियों को आशीष मिले मेरे पिता, क्योंकि आपका नाम सदा सर्वदा ऊंचा है परमेश्वर। आप ही सर्व सामर्थी, सर्व ज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर हैं, सर्व शक्तिमान परमेश्वर हैं प्रभु। धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर, आपका अनुग्रह और आपकी दया प्रेम हम सबके जीवन में आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आज आपके जीवन द्वारा प्रभु लोगों को आशीष मिले, जिनके पास काम नहीं है उनको काम मिले परमेश्वर, और जिनके पास परमेश्वर पिता जॉब में जो भी दिक्कत है प्रभु उनको आशीष कीजिए, नौकरी में सैलरी की उन्नति कीजिए, बढ़ोतरी कीजिए, और प्रभु बिजनेस में बढ़ोतरी दीजिए, आर्थिक समस्या को दूर कीजिए, हर एक पैसों का इंतजाम कीजिए परमेश्वर। पिता प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर राजा, जो बंधन में है दुष्ट शक्ति के प्रभु, सब छुटकारा पाए, हर एक बंधन टूटने पाए, शैतान के कार्य नष्ट होने पाए, और तेरे बेटे और बेटियां आजाद होने पाए मेरे पिता। मैं दुआ करता हूं आज रात प्रभु आप सबको छू लीजिए और आशीष कीजिए। इस रात्रि काल प्रार्थना में परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूं हर एक परिवार को प्रभु, मेल मिलाप की आत्मा दीजिए, प्यार प्रेम की आत्मा दीजिए, और परमेश्वर पिता प्रार्थना करता हूं हर एक शैतान ने जो भी लोगों को प्रभु मेरे खुदावन परमेश्वर आशीष छीन लिया है उसे प्रभु आप 100 गुना लौटा दीजिए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के जीवन में आशीष हो, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, मैरिज नहीं हो पा रही, उन्हें अच्छा जीवन साथी मिलने के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, आप उनके लिए इंतजाम कीजिए, अच्छा जीवन साथी होने के लिए प्रभु मदद कीजिए, आपके हाथों में सौंपता हूँ ताकि प्रभु वो तेरी भलाई को देखने पाए, उनके माता पिता तेरी भलाई को देखने पाए, और कहें यहोवा मेरा सब चीजों में भला परमेश्वर है। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आज रात प्रभु उन हर एक माता पिता को छू लीजिए जो लोग निराश में है, बच्चों को लेकर परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक परिवार को छू लीजिए और आशीष कीजिए मेरे प्रभु। आज तेरे हाथों में सौंपता हूँ हर एक परिवार को, अनुग्रह और दया कृपा करुणा बनी रहे। प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर जितने परिवार में नशे की आदत है प्रभु, बुरी संगति है, बुरी सामर्थ कार्य है प्रभु, वो सब दूर होने पाए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक बुरी आदतों को छुटकारा दीजिए परिवार में परमेश्वर, आशीष कीजिए। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं हर एक जो लोग मेरे परमेश्वर भाई बहन इस समय परमेश्वर पिता बीमार में है, वायरल फीवर वायरस जो भी कोरोना वायरस, वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है, किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम, सब छुटकारा पाए प्रभु। बड़ी बड़ी गवाहियों को देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, क्योंकि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उसमें ताड़ना पड़े, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम सब चंगे हो जाए। मेरे पिता मैं दुआ करता हूं आपके बेटे और बेटी को आशीष कीजिए और अनुग्रह दीजिए, दया दीजिए मेरे परमेश्वर कि तेरे बेटे और बेटी आशीषित होने पाए मेरे प्रभु। आज रात प्रभु तेरे लहू में उनको कवर करता हूं प्रभु, के परिवार को जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें अच्छी बुद्धि समझ ज्ञान दीजिए, और जिनका पैसा प्रभु इधर उधर फंसा हुआ है वो उनको मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। आपका अनुग्रह उन पे रहे परमेश्वर, आपका प्रेम उनके जीवन में बना रहे, जिनको संतान नहीं है संतान की आशीष दीजिए प्रभु, उन्हें संतान प्राप्ति की प्रभु आशीष दीजिए, जिस तरह हन्ना के जीवन में आपने आशीष दिया, और प्रभु परमेश्वर उसी तरह तेरे बेटे और बेटियों के जीवन में आशीष हो, 100 गुना आशीष दीजिए मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा आप छू लीजिए परमेश्वर, महान कार्य कीजिए, क्योंकि यह न बल से होगा न शक्ति से, आत्मा के द्वारा मेरे पिता। आज तेरे लहू में मैं ब्लेस करता हूं और प्रार्थना करता हूं इस रात्रि काल में हर एक बुरी संगति से लोग मन फिराए प्रभु, ये परमेश्वर तेरी ओर उनका जीवन फिरे। हर एक कलीसिया के लिए दुआ करता हूं, हर एक वाद विवाद लड़ाई झगड़ा ओ प्रभु परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पिता तेरे लोग जहां तेरी संगति होती है जुड़ते हैं प्रभु, तेरी सुरक्षा वहां बनी रहे, तेरे लोग सुरक्षित रहे प्रभु। हर एक परमेश्वर पिता बुराई से प्रभु मदद कीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं हमारे हर एक विश्वासी भाई बहन के लिए, उन सब के जीवन में प्रभु आशीष हो परमेश्वर, उन सब के जीवन में भलाई कार्य हो मेरे प्रभु। मेरे पिता आज रात परमेश्वर सबको छू लीजिए और बड़ी आशीष को दे दीजिए प्रभु।
मैं प्रार्थना करता हूं आज रात परमेश्वर तेरा नाम उनके जीवन में ऊंचा होने पाए। बड़े बड़े अनुग्रह दीजिए, आशीष कीजिए। तेरे लहू में मैं ब्लेस करता हूं, छू लीजिए मेरे पिता और तेरा नाम ऊंचा हो जाए। प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, राजाओं के राजा, डिवाइन पावर मिनिस्ट्री सेवकाई परमेश्वर पिता, जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं, जो लोग परमेश्वर अपने दान दसवांश को देते हैं प्रभु इस सेवकाई को आगे बढ़ने के लिए, पिता एक आज रात उनके लिए मैं एक और बार प्रार्थना करता हूं प्रभु। उनके पास अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी लगने पाए, जिनके पास परमेश्वर पिता कमी घटी है वो दूर कीजिए और प्रभु हर एक इच्छा को पूरा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह उनकी कमाई को भी बरकत दीजिए, आशीष दीजिए 100 गुना परमेश्वर, ताकि वो और तेरे राज्य में बीज बोने पाए और तेरे राज्य में अपने हाथ को बढ़ाने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ डिवाइन पावर मिनिस्ट्री सेवकाई प्रभु तमाम लोगों के लिए आशीष का कारण बने परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे हर एक भाई बहन जो यूट्यूब फेसबुक व्हाट्सएप पे सुनते हैं और प्रार्थना को हमें निवेदन भेजते हैं, उन सारे भाई बहन के लिए मैं दुआ करता हूँ पवित्र आत्मा छू लीजिए और प्रभु उन सबको आशीष कीजिए। मेरे पिता जैसे अपनी बड़ी बड़ी गवाहियों को देने में उनको मदद कीजिए और प्रभु परमेश्वर वो सेवकाई के द्वारा आगे बढ़ने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु आपके दास होने के नाते उन तमाम भाई बहन के जीवन में आशीष को मांगता हूँ। छू लीजिए और महान कार्य कीजिए, ना तो बल से ना शक्ति से, आत्मा के द्वारा परमेश्वर ये सब कुछ संभव है। प्रभु आपका नाम ऊंचा हो जाए, आपकी महिमा होने पाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। जिनको नींद नहीं आती अच्छा नींद दीजिए प्रभु, अच्छा शांति के साथ वो सोने पाए और परमेश्वर उठकर तेरी महिमा करने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आप आशीष कीजिए, छू लीजिए, अनुग्रह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ। इस प्रार्थना को प्रभु ग्रहण कीजिए यीशु के नाम में, आमीन और आमीन और आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। प्रिय परमेश्वर के लोगों रोज प्रार्थना में बने रहिए और आपका निवेदन है तो जरूर हमें भेजिए व्हाट्सएप पे फेसबुक पे और प्रभु आपको आशीष करे। ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना को शेयर कीजिए अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने लोगों